कोरोना वायरस ने लियारी में भी खतरे की घंटी बजा दी। कराची के गुंजान तरीन इलाके में कोरोना मुतासरीन की तादाद 74 तक जा पहुंची। सूरत हाल संगीन हुई तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई। जिला जनूबी में मजीद 3 मोबाइल टीमें तश्कील दे दी गई। मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे भी किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम महेश कोचर है और इस वक्त मुल्क जो है क्वारंटाइन की सिचुएशन में। आप सबको पता है कि कितनी मुश्किलात से इस वक्त हम दोचार हैं। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि मेरा ताल्लुक कराची के खूबसूरत इलाके लियारी से है और लियारी इस वक्त डेंजर की अलामत बना हुआ है। एक बाखबर जरा से पता चला है कि अब तक लियारी के अंदर 74 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं और ये 74 केस को आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 74 लोगों को हुआ है, ये कितने और लोगों से मिले होंगे, कहां कहां गए होंगे और ये कितना फास्टली मल्टीप्लाई हुआ होगा। इस बारे में मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया आज UC6 के वाइस चेयरमैन मिस्टर फरहान हिंगोर एज वेल एज एजुकेशन DMC साउथ की एजुकेशन कमेटी के मेंबर हैं और इन सबसे हटके इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, पूरी यूसी को लेकर, पूरी लियारी को लेकर जा बजा राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अवेयरनेस सेशन दे रहे हैं और चलते फिरते कहते हैं ना पब्लिक स्पीकर जिसे आप कह लें कि रोड पे चलते हुए माइक के थ्रू लोगों को जो है वो नोटिफिकेशन दे रहे हैं, उनको इंडिकेशन कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जो बिल्डिंग्स में लोग मौजूद हैं उनको माइक के थ्रू नीचे खड़े होकर गली में समझा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन अब चूंकि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, कहेंगे कि जिन बोतल से बाहर निकलने वाला है, तो आइए अब देखते हैं कि फरहान साहब का इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं आपसे हाथ तो नहीं मिला सकता क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है, लेकिन एक दिल से दिल का कनेक्ट है आपके साथ। बिल्कुल हमेशा। टू द पॉइंट आते हैं, 74 केसेस, क्या आपको इस बारे में इल्म है? जी बिल्कुल, हमारे इदारों में सबसे पहले तो मैं ये इस बात का ऐलानिया इजहार करना चाहूँगा कि जितने भी इदारे हैं लियारी में, ख्वा कराची में, पाकिस्तान के तमाम इदारे, तो हम सब एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन बेल्ट बनाए हुए हैं और हमें रोज़ाना की बुनियाद पर बल्कि लम्हा ब लम्हा में आइडिया होता जाता है कि कहाँ पर पेशेंट है, कहाँ पर नहीं है, खाओ वो रेंजर्स का इदारा हो, खाओ पुलिस का इदारा हो, खाओ सिविल हेल्थ के हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फिर DMC, ये चारों इदारे ऑन बोर्ड रहकर और इसी तरह से तमाम के हॉस्पिटल्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, मतलब मुकम्मल तौर पर आगा हैं। लेकिन दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन क्योंकि केसेज आर इंक्रीजिंग नॉट डे बाई डे बट टाइम बाई टाइम। 74 केसेस, अब ये जो लोग जिन लोगों से मिले होंगे, क्या उन सब की स्क्रूटनी होना बाकी है, उन लोगों को चेक करना बाकी है, या आपको लगता है कि उन इलाकों को या उन बिल्डिंग्स को, उन एरिया को सील करना चाहिए? इफ़ यू वांट सजेशन, देखें सबसे पहले तो ये है कि हमें मैं इस चीज़ का बिल्कुल यहाँ पर इजहार करना चाहूँगा बलबला, वो ये है कि एक अच्छा फॉलो अप प्रोसेस ज़रूर है लेकिन इट्स स्लो, वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि हमारे पास वसायल हमेशा की तरह कम है। अब हम कर ये रहे हैं कि जैसे भी कोई पेशेंट डायग्नोस होता है तो हम वेरी फर्स्ट उसको क्वारंटाइन करते हैं, उसकी फैमिली को अंडर वन रूफ उनके घर में ही क्वारंटाइन करते हैं, उनके टेस्ट करते हैं और उनके टेस्ट करने के बाद फिर हमें पता चलता है कि देयर इज कैपेसिटी टू इंक्रीज मोर टेस्ट, तो फिर नंबर ऑफ टेस्ट हम उनके जो सर्कल होते हैं प्राइमरी सर्कल उसको फॉलो करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। तो बहरहाल वी आर डूइंग आवर बेस्ट और होपफुली हम इसको क्वारंटाइन करेंगे, लेकिन फिर वही बात कि हमें लोगों का और आगे से ऐसे नुमाइंदों का तआवुन दरकार होगा, भाइयों का जो कि इंटेलेक्चुअल हैं, पब्लिक इन हैं और वो भी पब्लिक को हमारे साथ रहकर अगर गाइड करें, उनकी रहनमाई करें, उनको क्वारंटाइन करें और उनको बताएं कि क्या कितना ज़रूरी है, तो शायद हम इसको वापस। अच्छा मुझे ये बताइए, वो लोग जो नहीं समझ रहे, वो लोग जिनका हर बात पर ये कहना है कि अल्लाह मालिक है, बेशक अल्लाह हम सबका मालिक है लेकिन अल्लाह ने हमको अकल भी दी जिसका इस्तेमाल भी हमको करना है, तो ऐसे लोग जो सिचुएशन को जो है वो बिल्कुल अहमियत नहीं देते, इनको घरों में बैठना चाहिए, नहीं बैठ रहे हैं और स्पेशली वो माएँ जो छोटे छोटे बच्चों को दूध दही अदरक पुदीना लहसुन लेने के लिए बार बार नीचे भेज रही हैं, उनके लिए कितना खतरा है? ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम उस रेशियो की बात करें कि कौन सा रेशियो ज़्यादा मुतासर होता है या जो मौत के ज़्यादा करीब है, तो वो उम्र है अंडर एज जो कि बच्चा है वो, या फिर ओवर एज जो 60 से अबव है, सबसे पहले तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब खतरे की अलामत है अगर उनका नीचे उतरना, क्योंकि आज देखें सबसे बड़ी बात यह है कोरोना आप देख नहीं सकते, कोई भी ताकतवर जो एक आदमी आपके सामने आ जाए तो आप उससे फाइट कर सकते हो, उसकी वीकनेसेस के ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ हमें कोरोना ना देख सकता है ना हमें उसकी वीकनेसेस पता है, तो सबसे ज़्यादा बच्चों की केयर करनी है, सबसे ज़्यादा बुजुर्गों का ख्याल करना है और जिन लोगों को ये पता नहीं है कि कोरोना एक हकीकत है तो आप माने कोरोना एक हकीकत है और उन घरों से जाके पूछें जिनके घरों में मरीज हुए। एक कहने वाले ने बड़ी खूबसूरत माजरत के साथ, खूबसूरत नहीं कहूँगा, बड़ी सबक आमोज बात की, अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसके हमदर्द उससे गले मिलकर रो सकते हैं, उसका दुख बांट सकते हैं, लेकिन माजरत के साथ अगर किसी को कोरोना हो सकता है तो उसकी माँ भी उसको गले नहीं लगा सकती।
ये बातें हमें मद्देनजर रखनी चाहिए और यकीनन इससे डरना चाहिए, इस अजाब इलाही समझकर, हमारी आजमाइश समझकर हमें इससे बचना चाहिए। देखिए, इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो इससे फाइट करता है, और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो ही जो है आप इससे फाइट कर सकते हैं। 18 साल से कम उम्र का बच्चा है वो इससे ज्यादा इफेक्टेड होगा, और अगर 40 प्लस है तो भी इससे ज्यादा उसको प्रॉब्लम राहत होगी। तब आप बताइए कि अगर आपके बच्चे 18 साल से कम उम्र के या उनकी उम्र 40 से ज्यादा है तो उनके साथ क्या होने वाला है। और इस तरह के लोग ही हैं जो ज्यादा नहीं समझ रहे। अब टू द पॉइंट उनको बताइए, अगर वो बाहर आते हैं तो क्या होगा, क्योंकि मुझे बाखबर जरा से ये पता चला है कि अगर होता है गवर्नमेंट उनको ले जाती है और इन केस अगर उनकी डेथ होती है तो उनको डेड बॉडी तक भी नहीं दी जाएगी। इज इट ट्रू? यस, दैट इज टोटली ट्रू। मैं आपको बता दूं, मेरे केस स्टडी में आपको बताऊं कि हाउ द केस हैज हैपेंड, तो शायद आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। मैंने केस को फॉलो किया, उसको कहीं अपनी कंपनी से वायरस उसे अपने आप को सरेंडर किया और उसने कहा कि मुझे जो है क्वारंटाइन होना है। आप यकीन माने वो 5 हॉस्पिटल्स घुमा है, उस 5 हॉस्पिटल्स में उसके लिए जगह नहीं थी। आई रिपीट, हमारे पास वसाइल नहीं है, वो बंदा दूसरे लफ्जों में घरबदर हुआ है। फिर हमने हमारे रिसोर्सेज हमने यूटिलाइज किए और फिर जाकर हमने उसको एक्सपो सेंटर में वहाँ पर उसको क्वारंटाइन किया। लेकिन मौजूद के साथ फिर वही हमारा रोना रहेगा कि हमारे पास वसाइल कम और इस मर्ज की वबा जिसके अंदर फैल रही है मरीज बहुत ज़्यादा है। और मैं यहाँ पर ज़रूर इस बात का मतलब ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अगर 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स पूरे पाकिस्तान में होते हैं तो मेरा ख्याल नहीं है कि हम उसको फिर कैटल कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है बच्चों की या बुजुर्गों की, तो माजर के साथ उन्हें तो घर से कतई नहीं निकलना चाहिए। अब बात यह है कि टू द पॉइंट आते हैं लियारी के ऊपर, 74 केस अब तक हो चुके हैं, अगर ये इंक्रीज होते हैं तो क्या लियारी सील होगा? मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करूँगा कि लियारी को कर्फ्यू नाफिज किया जाए यहाँ पर, और उससे पहले यकीनन लोगों को जो है उनके जो भी मसाइल हैं घर में वो दिए जाएँ, बिल्कुल राशन जो है वो मुहैया किया जाए। कुछ राशन मुहैया किया भी जा चुका है लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं है कि जिससे जो है वो तमाम लोग जो है वो अपना हासिल कर सके अपना रिस्क। तो पहले इदारों का मैं समझता हूँ बुनियादी फ़र्ज़ ये कि उनको भूख से बचाएँ, और यकीनन इसी तरह से कोरोना से बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि लियारी में कर्फ्यू को नाफिज करना जरूरी है। लियारी में कर्फ्यू को नाफिज करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि लियारी ऐसी हंसता खेलता रहे, अगर आप चाहते हैं कि आप जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं उसी तरह गुजारते रहे, और अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह आप अपने बुजुर्गों और बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत और शफकत के साथ रहते हैं वैसे ही रहते, तो आपको घर में बैठना पड़ेगा। आज 74 केस है, ये बड़ी खतरे की अलामत है कि 74 केस मल्टीप्लाई होके कहां जा सकते हैं। आपको इनिशोर हम ये कहेंगे, हाथ किसी से नहीं मिलाना, हाथ बार बार धोना है, बुजुर्गों को बाहर नहीं भेजना, बच्चों को बाहर नहीं भेजना। देखें, ये वक्त भी गुजर जाएगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जब अच्छा वक्त गुजर जाता है तो ये बुरा वक्त, ये मुसीबत वाला वक्त भी गुजर जाएगा। आपने साथ देना है, डीएमसी की पूरी टीम का साथ देना है, और हर सबने मिलके जो है ये इकदाम उठाना है। हमें अपने बुजुर्गों बच्चों को बाहर जाने से रोकना है, हमें लियारी को सील होने से बचाना है, और हमें लियारी को मिलके कोरोना से पार करना है। सर, एक लास्ट मैसेज अपनी कम्युनिटी को आप क्या देना चाहेंगे? एक हदीस से इस बात को अपनी बात को इख्तिताम करूंगा कि तुम में से सबसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए, अपने ख़ानदान के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। और अगर आज आपको अपने ख़ानदान को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने ख़ानदान को, अपने आप को, अपने घरों पर भी महसूस है। और अगर आप समझते हैं कि आप अपने ख़ानदान के लिए अल्लाह के नबी की तहज़ीब के मुस्ताक सबसे बेहतरीन हैं, तो सबसे काबिली फर्ज आपको ये बनता है कि आप अपने आप को घरों तक महफूज रखें, अपने बच्चों को, अपने वालदेन को, अपने दीगर खानदान के तमाम अफराद को आप महदूद करें घर तक, बिला ज़रूरत घर से ना उठें, कोई ज़रूरत पड़े तो मास्क के साथ उठें। आप और मुझे सबको मिलकर हमारे इलाके को, हमारे सूबे को, हमारे इस मुल्क को इस वबा से छुटकारा दिलाना है। चीन की मिसाल आपके और मेरे सामने है कि जब उन्होंने एक कौम बने तो उन्होंने 2 माह की कलील मुद्दत के अंदर इस खतरनाक तरीन वबा को खात्मा कर दिया, उसको शिकस्त दे दी। तो आज हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें कौम होने का सबूत दें और इस वबा से बचाव की जितनी एहतियाती तदाबीर हैं वो अपनाएं। और इंशाल्लाह अज़ीज मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि हमारा इंशाल्लाह इस वबा से छुटकारा पा लेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान को याद रखिएगा।